तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट लॉस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, जिससे रेलवे में कई सारे क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने इस चैप्टर को होल्ड पर रखा था, क्योंकि मैं चाहता था आप जो चैप्टर्स के स्टार्टिंग से, यानी जो अर्थमेटिक के स्टार्टिंग चैप्टर, आप उसे पढ़ लें, फिर मैं प्रॉफिट लॉस को जब पढ़ाऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। मुझे आशा कि आपको मैंने जितने भी टॉपिक्स अभी तक पढ़ाए आपको सारे के सारे समझ में आएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए। मैं चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके रेलवे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपको बताया, अभी आप चैनल पर नए, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकॉन में क्लिक करिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर, कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने डाले हुए इस रेलवे वाले वीडियो में जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं लाभ हानि के बारे में, कि लाभ हानि के जो क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली में उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन में होते क्या क्या है, चीज़ों का बेसिक क्या है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बताना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाभ मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति एक वस्तु क्रय मूल्य से अधिक कीमत पर बेचेगा तो उसे लाभ होता है। यानी अगर वो 100 रुपये का खरीदा सामान 120 का बेच दिया तो क्या हो गया, लाभ हो गया। 100 का खरीदा 80 में बेच दिया तो क्या हो गया, हानि हो गया। लाभ हानि में जो तीन चीज़ें समझ में वाली होती हैं वो ये होती हैं कि आपका एक होता है CP, एक होता है MRP और एक होता है SP। देखिए ध्यान से समझिएगा। आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी सभी चैप्टर का मैं खाली पहला पार्ट अपलोड कर रहा हूँ, जो आपके रेलवे जैसे एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट होगा वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा। एडवांस लेवल मतलब ये होगा उसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे अच्छे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारे मैं आपको कराऊंगा। तो वो जब कराऊंगा, जब मेंस होगा, या फिर वो रेलवे का हो या फिर SSC का मेंस हो, किसी भी एग्जाम का मेंस होगा, तो वो सबके काम आएगा। तो पार्ट 2 पार्ट 3 भी सबके बनेंगे, लेकिन अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 एक हिसाब से समझ लीजिए कि रिवीजन है, ऊपर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी का रिवीजन है। तो पार्ट 1 तो आपको सबसे पहले देखना है, ठीक है, और बाकी इसके धीरे धीरे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 भी लेके आता रहूंगा जैसा जैसा लेवल बढ़ता रहेगा। तो तीन चीज़ें हैं वो CP मतलब होता है क्रय मूल्य, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं इंग्लिश में बोलता रहता हूँ, MRP मतलब होता है अंकित मूल्य, और SP मतलब होता है बिक्री मूल्य। आपको जो भी लाभ या हानि होता है वो याद रखिए हमेशा ही किस पे होता है, CP पे है। जब भी लाभ या हानि आपको होगा तो किस पे होगा, CP पे होगा। तो हम कभी भी अगर हमको लाभ होगा तो हम किस पे करेंगे, CP पे करेंगे। जो भी हम छूट देते हैं वो किस पे देते हैं, हम MRP पे देते हैं। जो भी हम डिस्काउंट देते हैं वो किस पे देते हैं, हम MRP पे देते हैं। और जितना भी हम टैक्स दें या फिर कोई कमीशन देते हैं वो किस पे देते हैं, विक्रय मूल्य पे। अगर मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा है जो आप 100 रुपये का खरीद के लेके आए, ठीक है, आपने उसका अंकित मूल्य लगा दिया 120 रुपये, लेकिन आपने कुछ छूट के बाद उसको बेच दिया है 110 रुपये में, तो 100 रुपये आपका क्या हो गया, CP हो गया। कोई पूछेगा आपने लाभ कितना हुआ आपको, तो आप जो CP का 100 खरीद के लाए थे बेचा आपने किस में, 10 रुपये में, 110 में, तो लाभ कितने का होगा, 10% का आपको लाभ हो गया। छूट आपने कितनी दी है वो आपको बताना है, क्योंकि 120 से 110 आपने क्या कर दिया, दाम रख दिया, तो 10 रुपये की छूट दिया 120 रुपये पे, और ×100 कर दोगे आप, तो 0 से 0 कट के यहाँ पे आ जाएगा 100/12, क्योंकि आपने क्या कर दी, छूट दे दी है। और पूछेगा मानिए आपको किसी को टैक्स देना, सरकार को टैक्स देना, तो आप जो बिल बनाते हो वो विक्रय मूल्य का बिल बनाते हो, ना कि क्रय मूल्य का बनाते हो कि मैंने इस पे खरीद के लाया हुआ है। जितने का सामान आप बेचते हो तो आप उसका बिल बनाते हो, सरकार उस पर आपसे टैक्स लेती है। तो ये थोड़ा बेसिक था कि जो आपको जो तीन चीज़ें समझनी थी, इस पर क्वेश्चन भी कई सारे आएंगे, ये खाली वैसे फालतू की चीज़ें नहीं है। आप अगर इसको नहीं समझोगे तो फिर जो क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यानी जो हार्ड क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन में लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है वो उसी मेथड से लगता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट बात करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति 25 रुपये में 25 रुपये में कोई खिलौना खरीदता है और 30 रुपये में बेच देता है, तो कितना प्रतिशत लाभ उसको होगा। 25 में सामान खरीद के लाया, यानी 25 क्या है आपका, CP है। 30 में सामान बेच दिया, 30 क्या आपका, SP है। लाभ कितने का होगा उसको, 5 रुपये का। हमेशा लाभ किस पे होता है, मैंने आपको पहले बताया, तो किस पे होता है, CP पे होता है, ×100 कर दिए, क्यों, क्योंकि आपसे प्रतिशत में पूछा है। 25 चौका 100 हो गया, यानी 20% क्या हो गया उसको, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया 20% का। तो CP SP इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपके फार्मूला इजी हो जाते हैं, फार्मूला बना सकते हो। कैसे फार्मूला बना सकते हो, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये आता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए।
देखिए ये क्वेश्चन आपको लगाना है, मैं खुद अभी लगाऊंगा, लेकिन आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, ट्राई करिए क्वेश्चन, आंसर आ जाता तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे इसका आंसर लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। जो विभाज्यता का नियम मैंने वीडियो दिए हैं वो मैंने म्यूट वीडियो रखा, यानी आपको मैंने वो समझाया क्योंकि उसमें कुछ भी समझाना नहीं था, लेकिन बच्चों की थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आई थी, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो आपको सारी चीज़ें उसमें समझ में आएंगी। अब देखिए, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा, लेकिन एक्चुअली में आपको लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन लाभ हुआ कितने का है, 11 मीटर के लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ, 11 मीटर पे, लेकिन आपको लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। यहाँ तो विक्रय दे दिया, अगर क्रय होता ये, ठीक है, अगर ये क्रय मूल्य होता तो यहाँ हम सीधे 33 रख देते, लेकिन ये विक्रय है तो 33 में से 11 माइनस करके रखेंगे, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि लाभ हुआ, अगर हानि होता तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 100 का, क्यों, क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है, तो 11 बटे ये आ जाएगा 22 गुणे 100, तो 11 दुनी 22, और यहाँ आपको 50% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो चीज़ें मुझे पता है, आपको मेरे आशा ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप सब भी, काफ़ी अच्छा कमेंट देते हो, काफ़ी अच्छा मुझे प्यार करते हो, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो को लगातार बना रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन में हो सकता है आपसे क्रय मूल्य कर देगा, तो क्रय मूल्य कर देगा तो सीधे हम 33 रख देंगे, ठीक है, अगर यहाँ हाँ नहीं कर देगा तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले बात पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिलें खरीदता है और इन्हें 12 रुपये में 10 की दर से पेंसिल बेच देता है, तो हम एक साइड रखेंगे रुपया और एक साइड रखेंगे पेंसिल, 12 पेंसिल खरीदता है 10 रुपये की दर से, 10 पेंसिल बेचा कितना, 12 रुपये की दर से, तो बताना लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट अगर आप बराबर जब तक नहीं करोगे तब तक आप कैसे बता पाओगे कितने का लाभ हुआ या फिर कितने का हानि हुआ। तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा, तो ऊपर हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 का, नीचे कितने करना पड़ेगा, 12 का, तो पूरे के पूरे इक्वेशन में 10 और 12 का मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 120, 10 का इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, यहाँ 12 करोगे तो कितना आएगा, 120, 12 के इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, 144, तो 100 का समान था 144 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो गया, आप उसको आपको सीधे 44 पैसे का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो धीरे धीरे हो गया क्वेश्चन, धीरे धीरे आपका आंसर भी आ गया, आराम से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इतने स्पेशल मेथड में आपको कराऊंगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए आपके एग्जाम के लिए। जो भी बच्चे जिनका मैथ वीक है या जिनका मैथ अच्छा है वो एडवांस लेवल में मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनका मैथ वीक है वो बेसिक लेवल से चीज़ों को समझते चले, क्योंकि जब मैं एडवांस लेवल कराऊंगा तो आपको बेसिक वहाँ समझना काफ़ी ईजी रहेगा। मैं क्वेश्चन काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल कराऊंगा, यहाँ तक कि कैट की मैं जो बुक है मेरे पास, मैं वो उसके भी क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व कराऊंगा, आपको बुक भी दिखा दूंगा कि इस पेज नंबर पर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मुझे आशा कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, 12 से 10, 10 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑब्जेक्ट को बराबर करेंगे, तो इसका जो नंबर था उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले का जो नंबर था उससे हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए बराबर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब कहता है कि मैं अगर 100 रुपये में खरीद के लाया हूँ तो 100 ही में बेच दूंगा, बेईमान है क्योंकि, लेकिन 1 किलो की जगह सिर्फ 960 ग्राम का ही यूज करता है, यानी जिससे जिससे तौलता है, जो उसके पास तौलने वाला सामान है उसमें 1 किलो नहीं लगाता, यानी 1000 ग्राम वो नहीं तौलता है, जबकि तौलता कितना है वो, सिर्फ 960 ग्राम, तो बताना कितने प्रतिशत का मुनाफा वो कमा रहा था। सिंपल है, 960 का तौल रहा है तो कितना मुनाफा कमा रहा होगा, 40 ग्राम का, क्योंकि कुल कितना ग्राम होता है 1 किलो में, 1000 ग्राम होता है, तो 40 ग्राम का वो मुनाफा कमा रहा था, और कितना बेच रहा है वो, 960 बेच रहा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बस आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 काट दीजिए, 24 चौका कितना होता है, 96 होता है, 2 से काट दिया, फिर 4 से काट, 4 से 24, और ये हो गया 25 चौका 100, 25/6% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी क्वेश्चन बनते विमान व्यापारी के, खाली आपको एक भाषा में ये समझना है कि कितना लाभ कमाया और कितना वो दिया है, कुल मिला के कितना लाभ कमाया, 1000 से 960, कितना दे दिया वो, 960 ग्राम खाली तोला। अब आपको इस पे मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जरा, कि आप इस पे एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, जो विमान वाला होता है उसमें जैसे ये क्वेश्चन कह देगा कि वह 1 किलो का स्थान पर सिर्फ 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है। चलिए अगर मानिए इस क्वेश्चन में ये कह देता कि यहाँ पे 960 ना करके अगर वो 900 कर देता 1 किलो की जगह, तो फिर आप कैसे करते इस क्वेश्चन में, वो कितना मुनाफा कमा ले रहा था, 100 ग्राम का मुनाफा कमा रहा था, कितना दे रहा था वो, 900 ग्राम दे रहा था, मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 100 से, आंसर कितना आ गया प्रॉफिट उसको, 9/9 आ गया, बस ये आंसर आपका आ गया। तो समझना क्या है, कितना का मुनाफा, इतने का, कितना दिया, इतने का, इंटू 100 कर देंगे। चलिए इस पे एक और अगले लेवल का जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है
कि दुकानदार ने कहा कि मैं सिर्फ 10% लाभ लूंगा, लेकिन वो तौलता 20% कम है। क्वेश्चन आप पूरा लैंग्वेज पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या लिखा है कि दुकानदार लैंग्वेज सीधे सीधे बात करें तो ये कह रहा लैंग्वेज में कि दुकानदार ने कहा कि भाई मैं ज़्यादा लाभ नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ 10 ही% का लाभ लेके चावल बेचूंगा, लेकिन वो था इतना बेईमान कि वो 20% कम चावल तौल दे रहा था। भाई ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, आपको पता ही होगा, आप ही के साथ होता है रोज, लेकिन आपको नहीं पता। तो 10% का लाभ लेके बेचेगा, अगर मान लीजिए 100 में खरीद के लाएगा तो कितने में बेच रहा होगा, 110 में, लेकिन वो 100 की जगह तौल कितना रहा, सिर्फ 80 तौल रहा है, तो कितने का लाभ उसको कमाया, 30 रुपये का 80 से, 110 का 30 का, कितना वो दिया, 80 दिया, मल्टीप्लाई किससे, 100 से, 0 से 0 कट गया, 4 से, 2 से काट दिया, 2 चौक 8 और 2 5 10, तो 150/4% क्या हो रहा था, लाभ हो गया था। बस आंसर आपका आ गया। मुझे आशा कि आपको क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं चाहता भी हूँ मेरे बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे चैनल से जितना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो वो कहीं से भी ना हो, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करता हूँ। मैं 15 अगस्त को भी आपके साथ जुड़ा था, मैं 16 अगस्त को भी जुड़ा, मैं 17 अगस्त को हर एक दिन के एनालिसिस करता हूँ। एनालिसिस में थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मेरा भी कुछ काम होता है, तो इसलिए आपके लिए लेट हो जाता है, लेकिन हर दिन के एनालिसिस देता हूँ आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके लिए मेहनत करता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैं आपके लिए टॉपिक वाइज लेके आया, फिर इसका सेकंड पार्ट जब पेपर खत्म होगा या फिर पेपर के बीच में अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं वीडियो को बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। बच्चे कह रहे स्टेटमेंट कंक्लूजन वीडियो, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का, टाइम नहीं मिल पाता लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा। हर एक 3 घंटे में आपको वीडियो देने का जो मैंने वादा किया उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। विकास ने अपनी 2 घड़ियाँ 525 रुपये की प्रत्येक की दर से बेच दिया, यानी पहली घड़ी बेचा 525 का, फिर दूसरी घड़ी भी 525 का बेचा, यानी कुल मिला के एक्चुअली में कितना था सामान, 25 25 50 और 5 5 10, 1050 का कुल सामान था। पहले को वो 10% लाभ पे बेचा तो हम 110/100 कर देंगे, दूसरे को 15% हानि पे बेचा तो हम 85/100 कर देंगे। बस आपको करना क्या है कि इसका 110/100 निकालिए कितना आ रहा है, जब जो भी आएगा इसका 85/100 निकालिए जो भी आएगा, वो देख लीजिए इससे कितना ज़्यादा है, बटे 1050 नीचे इंटू 100 कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस इसको ट्राई करिएगा, जरा आंसर अपना बताएगा, मैं सबके सबके आंसर देखता रहूँगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। एक बिजली के आयरन को 15% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता, यानी 15% के लाभ पे आप तो बेच रहे हो, लेकिन अगर 600 में बेच दो तो 20% का लाभ हो जाए। तो क्वेश्चन को इसको लगाने का तरीका ये होता कि जब कभी भी आपको प्रॉफिट प्रॉफिट दिखे या लॉस लॉस दिखे तो वहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं, माइनस में हो जाएंगी। जब अपोजिट हो जाएंगी तो चीज़ें वहाँ पर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब प्रॉफिट प्रॉफिट, अब याद कैसे करोगे, आपको ये चीज़ तो याद होगी, जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती है तो उसकी जो चालें होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ये तो आपको याद होगा। इसी तरीके से जब प्रॉफिट प्रॉफिट एक ही साइड होते हैं तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ 15% का प्रॉफिट है, यहाँ 20% का प्रॉफिट है, तो कुल मिला के माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 15 जाएगा, 5% की प्रॉफिट की वैल्यू कितना दिया, वो 600 रुपये दिया है। तो एक का कितना हो जाएगा, 5 से काटे 5 5 12 5 60, 1% का आगे वैल्यू 100, क्योंकि आपसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य 100% होगा विक्रय मूल्य, तो 12 ये था और ये 12,000 होगा, कि यहाँ मैंने 2 जीरो बढ़ाए, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 12,000 रुपये। बस सिंपल क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आसान लेवल के सॉल्व करने हैं, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक्चुअली मैं क्वेश्चन को इजी करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो है सब अपने, आपने जो लगाया होगा प्रॉफिट लॉस का, मुझे लगता है इसमें 3 4 क्वेश्चन तो आपने देखा ही नहीं होगा अभी तक का, या अगर आपने देखा भी होगा तो आप उसका कोई बड़ा मेटर लगाते होंगे, लेकिन सब इजी क्वेश्चन है और सारे के सारे आपको जरूर समझ में आएंगे। देखिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। किसी वस्तु को 120 रुपये की अपेक्षा 140 में जब आप बेचोगे तो लाभ प्रतिशत आपको दुगना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत पहले क्या था, पी, अब कितना हो रहा है, 2p। प्रॉफिट प्रॉफिट है तो कितना आएगा नीचे, घट के 1 हो जाएगा, क्योंकि हम दोनों क्या करते हैं, घटाते हैं। 120 से 140 का माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 रुपया, यानी 20 का आपको हो रहा मेन चीज का। तो 120 पे 1 अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 140 पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, दुगने का। तो 120 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा, क्यों, 120 पे प्रॉफिट हो रहा है 20 का, 140 पे कितना हो रहा है, दुगना प्रॉफिट हो रहा है, यानी 20 का दुगना 40 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 140 पे अगर 40 का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये का। 120 पे 20 का प्रॉफिट हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये का। तो चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है, है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो सिंपल है, सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक दुकानदार अपने सामान पे 20% छूट देकर भी 20% का लाभ कमा ले रहा है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। मान लीजिए सामान वो 100 का लाया था, 20% की छूट दे, यानी सामान 80 रुपये का वो बेच रहा है, 20% छूट दे रहा है, 80 रुपये हो गया,
लेकिन उसके बावजूद 100 के सामान को 120 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब वो 20% का लाभ कमा रहा है। चीज़ों को पहले समझिए कि 20% का छूट दे रहा है, यानी 100 का कितना हो गया, 80 हो गया, फिर इस पर 20% का लाभ कमा रहा है, 80 का कितना हो गया, 120। तो एक्चुअली में इसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 80 से 120 का 40 का हो रहा है। कितने पे, 80 पे इंटू 100 हो गया, तो 40 × 80 और ये कितना आ गया आपका 50%। क्या हो गया क्वेश्चन, इसका आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो मैंने प्रॉफिट लॉस का पहला पार्ट पढ़ाया, लगभग मैंने जितने भी आपको पार्ट कराए हैं, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, कार्य समय हो, नल टंकी हो, प्रतिशत हो, समय दूरी हो, या फिर विभाजिता का नियम हो, सभी के मैंने पहले पार्ट अपलोड किए हैं। इसमें परेशान मत होइएगा, कई सारे बच्चे कमेंट अगर ऐसा करना सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन इजी थे, क्वेश्चन आपने आसान करा दिए, इतने में चैप्टर नहीं खत्म होगा, तो उनको बता दूं कि ये पहला पार्ट था, इसमें मैं आपको खाली एक पार्ट बताया हूँ। अब इसके बाद इसका दूसरा पार्ट जब मेंस लेवल का आएगा तो आप और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे, और ये जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा है कि आप इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं। अगर आपने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एक चीज़ मैंने आपको और भी बताया था कि हमारा टेलीग्राम पे भी चैनल है, आप वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आपको जो भी चीज़ें नहीं समझ आती मुझे आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप जब क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल में टेलीग्राम खुल जाएगा, लेकिन अगर आप टेलीग्राम इंस्टॉल कर लोगे मोबाइल में एप्लीकेशन उसका, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मुझे धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया। जल्दी हम लोग 2.5 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। एग्जाम्स में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं, और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीएल के मैथ सेक्शन में 50 out of 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ सत्यम गुप्ता, और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ।